झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अदालत की अनुमति से कल सोमवार को बिरसा मुंडा जेल की चारदीवारी से निकलकर पुलिस कस्टडी में कुछ घंटों के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। वो अपने पिता शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और अपने बच्चों निखिल और अंश सहित परिजनों से मिलकर भावुक हो उठे। उनकी मां की आंखों से आंसू बह निकले और वो काफी देर तक हेमंत सोरेन का हाथ अपने हाथों में लेकर सिसकती रहीं। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध में कुछ घंटों के लिए पुलिस कस्टडी में भाग लेने की इजाजत दी थी और इस दौरान मीडिया से बातचीत और राजनीतिक चर्चा पर पूरी तरह से रोक रही। वहीं हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर उनकी ताजा तस्वीरें शेयर की गईं, जिसमें उनकी दाढ़ी बढ़ गई है और काफी हद तक वो अपने पिता शिबू सोरेन की तरह नजर आए। वहीं एक्स हैंडल पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर भी लिखा गया, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को रांची के बणगाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और इसके बाद से ही वो जेल में बंद है। बीते 30 अप्रैल को अपने चाचा के निधन पर हेमंत सोरेन ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएमएलए कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली थी और इसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे और श्राद्ध में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल की उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने बेल नहीं दी। वहीं जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सोरेन चाचा के श्राद्ध में कुछ देर के लिए पुलिस कस्टडी में शामिल हो सकते हैं और सोमवार शाम को ही श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद सोरेन वापस बिरसा मुंडा जेल लौट गए। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल हाल ही में सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसी के खिलाफ सोमवार को पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, यानी अब दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वो इस अनुरोध पर गौर करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की रिट याचिका जो कि खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को एक और सप्ताह का समय दिया गया था।